Before we begin the video, do subscribe to our channel and also click on the bell notification sign to stay updated with all our video notifications. Hey explorers, what's up? How are you guys doing? Welcome back to a new video, a new day again. So guys, as always, how are you guys doing? आप मुझे बताओ कमेंट करके आप कैसे हैं आप सब लोग इस पैंडेमिक में. आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स अच्छे होंगे. एंड जस्ट टेक केयर ऑफ yourself wherever you are and stay home as always. तो गाइज आज का वीडियो शुरू करते हैं, पर आज का वीडियो होने वाला है एक थोड़ा अलग वीडियो. मैं हमेशा इधर देख के उधर नहीं देखने वाला हूँ, मैं हमेशा अभी आप ही की तरफ ही फोकस करूंगा. यू शुड ऑलवेज चेंज द वीडियोज, यू नो, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए. मैं सोच रहा था कि थोड़ा ऊपर जाऊँ, थोड़ा धूप में थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, बट अगेन बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है, पसीना आते रहेगा चेहरे से, बॉडी पे शर्ट भीग जाएगा, तो कुछ पॉइंट नहीं है. तो चलो गाइज आज का वीडियो शुरू करते हैं. तो गाइज आज का वीडियो एक अबैंडन बिल्डिंग के ऊपर है. ये एक शायद से पुलिस क्वार्टर्स या मिलिट्री क्वार्टर्स था जो अबैंडन था बहुत सालों से, एटलीस्ट 20 साल तो हो गए होंगे, बिकॉज उसके राइट बाजू में एक अबैंडन जेल है जो हम एक्सप्लोर करना चाहते थे, बट हमने एक्सप्लोर नहीं किया उसको, बिकॉज अगेन एज यूजुअल अबैंडन प्लेसेस को सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ऑफकोर्स वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज तो होती रहती है, तो वैसे प्लेसेस को अगर गार्ड किया जाए तो बहुत ही अच्छा है. तो ऐसे ही एक अबैंडन जेल को एक सिक्योरिटी गार्ड्स ने गार्ड कर दिया गया था ताकि अंदर कोई आ ना सके. तो हमने सोचा कि एक बिल्डिंग एक्सप्लोर कर लेते हैं जो एक फॉरेस्ट में है एज यूजुअल. तो हमने एक्सप्लोर कर लिया और ये जगह हॉन्टेड है कि नहीं या सिर्फ अबैंडन है और इस जगह पे क्या क्या चीजें मिलती है, तो आपको इस वीडियो के थ्रू ही पता चलेगी. तो चलिए गाइस आगे वीडियो शुरू करते हैं. ओके सो हियर इज द बिल्डिंग व्हाट वी आर गोना एक्सप्लोर, लेट्स गो, बी केयरफुल द इलेक्ट्रिसिटी वायर्स. What kind of building is this? It's completely abandoned. Broken bathrooms. Let's go upstairs. Yeah, let's go upstairs. Come on. Just be careful. Okay, there are a lot of broken wires. What I can see. Oh, look at this scorpion. और वहाँ पे कोई पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स वो अबैंडन जेल को ऑलरेडी गार्ड कर दे. तो हमको इस बिल्डिंग का लेआउट देख के ऐसे लग रहा है कि ये मे बी कोई पुलिस क्वार्टर्स या आर्मी क्वार्टर्स होगा या किसी गवर्नमेंट क्वार्टर्स होगा फॉर श्योर, जो अबैंडन पड़ा है. और हम लोग को ये डाउट होता कि यार ये फॉरेस्ट में क्यों है. आई मीन ओके, कोई रोड साइड भी जगह बनाई जा सकती थी, थोड़ा रोड वहाँ से दूर था, बट अगेन जैसे जंगल में क्यों बनानी चाहिए. उसका एम्बियंस इतना क्रीपी था, जैसे आप बिल्डिंग में आते हो और इतनी क्रैम्पी थी. मतलब अगर यहाँ पे कोई क्रिमिनल भी हमारे पीछे पड़ जाता था या कोई रॉबर भी हमारे पीछे अटैक करने को आ जाता था, तो हमको भागने के लिए जगह एकदम छोटी सी थी. और गाइस जैसे आपने देखा हमको नीचे ग्राउंड पे स्कॉर्पियन मिला. यही होता है गाइस, ऐसी जगह रेप्टाइल्स, क्रिमिनल्स, अगेन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ये सब जगहों पे ऐसी चीज़ें होती है और उसके आगे और कुछ नहीं मिलेगा. तो इसीलिए गाइस हम आपको हमेशा दिखाना चाहते हैं कि ऐसी जगह सेफ क्यों नहीं होती. और जैसे आपने देखा स्टार्टिंग से इलेक्ट्रिक वायर्स वहाँ पे पड़ी थी, तो हमको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है ऐसी चीज़ों से. तो चलो गाइस आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आपको बताता हूँ ये प्लेस कितना ज़्यादा वेकेंट और क्रीपी है. इज द सेम सेकंड फ्लोर, इज आइडेंटिकल. देयर्स वन मोर फ्लोर अप. You check that side. Come. So guys, this building is in between the woods and the jungle. And if you can hear the waves of the sea, there's also an abandoned jail. It's all broken. Kalpesh, what do you think? What this could be? The entire place is broken.
I mean, this construction was in full. Complete place is broken. There's woods out there. Show me the flashlight. Look over there. तो ये वीडियो में हमारे साथ और एक बंदे ने एक्सप्लोरेशन ज्वाइन किया था और वो था मेरा दोस्त. तो उसने कभी ये चीज़ें जिंदगी में कभी की नहीं. आई डोंट नो वॉट वॉज इज फियर लेवल. मुझे नहीं पता था वो कौन सी चीज़ों से डरता था या नहीं, पर वो मेरे साथ एक्सप्लोरेशन पे आया. ब्रेव ऑफ हिम. बट अगेन उसको थोड़ा डर तो था. और गाइस हमें ज़्यादा डर था उसके लिए. अगर हमें कुछ होता है एक्सप्लोरेशन पे तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर ओन सेल्फ. हम एज अ टीम वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिकॉज वी आर वन यूनिट. बट ही वॉज समवन एज अ थर्ड पार्टी ओवर देयर. और अगर उसे कुछ होता था, उसे लगती भी थी, तो अगेन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो चले गए आगे वीडियो कंटिन्यू करते और ये एक्सप्लोरेशन जल्द से जल्द खत्म करते. Let's go, third floor. Okay, this is the top. There's also a terrace up, but probably we need a ladder. Uh-oh, guys, there's a door. It's the same. There are all graffitis out here. I hope we don't find any dead body out here. Give me the flash. Let's check this out, there are woods. I guess that's it from this lonely abandoned building. Okay guys, तो जैसे आपने देखा ये building completely vacant और abandoned है और बहुत ज्यादा sites the left side and the right side is identical and similar. Maybe यहाँ पे बहुत ज़्यादा rooms थे और सारे rooms एक जैसे ही maybe quarters वैसे ही होते छोटे से light and this is how people survive. तो guys मुझे जानना है कि abandoned place abandoned haunted क्यों थी. So I'm going to go there and explore there again. I'm going to try to talk to locals because मुझे वहाँ पे chance नहीं मिला किसी भी local से बात करने के लिए to find out more information. और मेरा personal opinion ये है कि ये place again एक haunted place नहीं है because मैं एक urban explorer हूँ. But I want any of the paranormal investigators out there. So, जैसे मेरे contacts है पूजा एंड सर्वजीत, I would give them this location और मैं चाहता हूँ कि वो लोग जाए और इस abandoned place पे अपने paranormal investigations continue करें and find out what is the truth behind this. तो guys, that's it from me. अगर आपको video पसंद आएगा तो give a big like, share this video as much as possible, subscribe to the channel with the bell notification and as always, take care, stay safe, stay isolated. See you in the next video. Until then, adios.